السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره शाहर कल यकदम अमर तमाम किस्म की हमदोसना तारीफ व तोसीफ़ बड़ाई और बुजुर्गी उस वहदहुलाशरीक के लिए जो खालिक कायनत और मालिक अर्जो समा है जिसने हम सम हम तमाम लोगों को इस दार फ़ानी में पैदा फरमाया और उसके बाद नबी अक्रम सल्ह वसम पर अन गिनत बेशुमार दरुद मोहतरम हज़रा ख़वा अभी मैंने आपके सामने सूरे अबसा की चंद आयतें शुरू में तलावत की हैं उसी के मतलब कुछ बातें आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा अल्लाह तबारक व तला से दुआ है इलाह आलमीन हम सबों को जो भी बातें पेश की जाएं उसको सुनने समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी क़ता फ़रमाए आमी या रब्बल ला आलमीन जैसा कि आप ये जानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताली ने लोगों को दुनिया में पैदा फरमाया है और जो शख्स भी यहाँ पैदा हुआ है जो भी मखलूक यहाँ पैदा हुई अल्लाह तबारक वाली ने उसको उसका एक वक्त मुतन कर दिया है उसको मरना है और मरने के बाद बहुत सारे मरहल से उसको गुजरना पड़ेगा आज के इस महफ़िल में आज के इस मजलिस में आखरत की पहली मंजिल कब्र की पहली रात क़ब्र में पहली रात एक इंसान कैसे गुजारेगा इसके मुतालिक मैं कुछ बातें आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अमा तूफ़ अकबर फिर उसे मौत दे दी और उसे क़ब्र में पहुँचा दिया यानी पूरी ज़िंदगी एक शख्स गुजार लिया पचास साल साठ साल सत्तर साल सौ साल जो भी ज़िंदगी अल्लाह तबारक वाली ने दी उसको उसको गुजारा और उसके बाद मौत आई और उसको कब्र तक पहुँचा दिया तुम इदा शाहरा और फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे ज़िंदा कर देगा जब अल्लाह तबारक वाली चाहेगा तो उसको जिंदा करेगा कल्ला लम्मा यकदिमा अमरा हरगिज़ नहीं उसने जिम्मेदारी पूरी नहीं की जिसका अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था ये तो इन तीन आयतों का तर्जमा हुआ जो मैंने आपके सामने पेश किया लेकिन यह आज का हमारा कब्र में पहली रात ये बहुत अहम मौजू है इस मौजू के ताल्लुक से सबसे पहले हम तीन बातें बुनियादी तौर पर अपने जहन में बिठा लें कब्र की जहां पर बात आती है तो तीन बातें सबसे पहले एक इंसान को बिठा लेना चाहिए कि इन तीन बातों से हमें गुजरना है या इन तीन चीज़ों से गुज़रना है सबसे पहली बात कब्र के मुतालिक जब आती है तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये घर जो तैयार किया जाता है जब इंसान मर जाता है तो कहते हैं कब्र कब्र तैयार करो घर तैयार करो घर तैयार किया जाता है दुनिया में घर तैयार किया जाता है ईंट से सीमेंट से बालू से ये वो सारी चीज़ों से लेकिन वो घर ऐसा नहीं होगा वो घर एक सियाह तारीख घर होगा जिसमें न तो सूरज की रोशनी होगी न चांद की चांदनी होगी सितारों का झुरमुट भी नहीं होगा ना ही कुमकुमों की जगमगाहट जग्म, जग्म, होगी वहाँ पर ना चिराग की रोशनी आएगी बिल्कुल सिया अंधेरा तो सबसे पहले हमें ये समझ जहन में बिठा लेना चाहिए कि वो एक ऐसा घर है जो बिल्कुल तारीक घर होगा और जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन हिलकबूरा ममलूत झुलमत बिला शुबह ये कब्रें वहाँ रहने वालों पर अंधेरे से भरी हुई होंगी का खाली होगी वहां पर खाली अंधेरा होगा और कोई चीज वहां पर नहीं होगी और नंबर दो पहली बात तारीकी का घर अंधेरे अंधेरा घर और दूसरी बात वीरानी का घर सन्नाटा कोई भी नहीं है बीवी जो बराबर अपने शौहर के साथ रहती थी गायब शौहर जो बीवी के साथ रहता था गायब मां बाप गायब भाई बहन गायब बेटे बेटी गायब कोई भी वहां पर नहीं होगा वह वहशतनाक तन्हाई का घर सन्नाटा सिर्फ एक तन्हा हमको वहां पर जाना है और किसी को वहां पर नहीं जाना नंबर तीन कीड़े मकोड़ों का घर वहां पर मिट्टी का घर होगा कीड़े मकोड़े होंगे कबर मिट्टी की बनाई गई बिस्तर भी मिट्टी का है फर्श भी मिट्टी का है कीड़े मकोड़े अलग हैं जहरीले सांप अलग हैं बिच्छू अलग हैं ना कोई जाए करार है ना कोई जाए फरार है कोई रास्ता भागने का भी नहीं कोई जगह छुपने की भी नहीं ये कौन सा घर है इसको कहते हैं कबर यहां से हर एक शख्स को गुजरना है खतरनाक घर उस खतरनाक घर के सामने खड़े होकर जनाब मोहम्मद वसल्लम जारो कतार रोए और सिस्कियां लेते हुए फरमा रहे थे सिस्कियां आ रही थी याद ऐ मेरे भाइयों इस जैसी जगह के लिए तैयारी करो कबर के लिए तैयारी करो इस जगह तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा ये बहुत खतरनाक घर है वहशतनाक घर है कीड़े मकोड़ों का घर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के रो रहे थे और सिस्कियाँ ले रहे थे और कह रहे थे कि इस जैसी जगह के लिए तैयारी कर लो स्मान गनी रज़ी अल्लाह तहों को कौन नहीं जानता है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तहु एक मरतबा कबर के किनारे बैठे हुए रो रहे थे यहाँ तक कि आपके दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गए लोगों ने कहा कि जब जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया जाता है तो आप इस कदर नहीं रोते हैं और जब कब्र का जिक्र किया जाता है तो आप बेकरार हो जाते हैं आप बेखुद हो जाते हैं आखिर इसकी वजह क्या है तो जुन्नूरन उस्मान गनी रज़ी तनहु फरमाने लगे मेरे भाई नबी करीम का इरशाद है इन अलब्र अव्वल मनाजिल आख़िरा बिला शुबा क़ब्र आखरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है आखरत की यह पहली मंजिल है जो शख्स यहाँ पर किसी भी तरह से नजात पा गया आगे के रास्ते उसके लिए आसान हो जाएंगे लेकिन जो इस घाटी में फंस गया जो इस मंजिल में फंस गया जो इस वहशतनाक जगह पर फंस गया उसके लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा रही बात ये कि मैं जन्नत और जहन्नम का जब जिक्र होता है तो इतनी ज्यादा इतना ज्यादा परेशान नहीं होता लेकिन जब कब्र का जिक्र होता है तो मैं इतना ज्यादा इसलिए परेशान हो जाता हूं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इस कबर के लिए कि माराई तो मंदरन कत्तू इल्ला वल वल्क कब्र अफदिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कब्र से ज़्यादा सख्त और वहशत वाली जगह कोई देखी ही नहीं जो सबसे ज्यादा वहशत डरावनी घबराहट डर खौफ की जगह है वो कौन सी जगह है वो कब्र है जिसकी वजह से हजरत उस्मान रजी अल्लाह तहु ऊस्मान गनी ताला रजियाल्लाह इस कदर रो रहे थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई थी खौफनाक खौफनाक ये वह ये खौफनाक मंजर होता मोहतरम हजरात खीन ये जो हमारा आज का मौजू है बहुत ही ज्यादा खौफनाक है कब्र में पहली रात कब्र का मौजूद वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और कब्र में पहली रात का मंज़र जो है हज़रत आसम रजी अल्लाह तह इद फरमाती हैं कि नबी करीम वसल्लम खुतबा दे रहे थे और ख़ुतबा देते हुए आपने क़ब्र के फितने का जिक्र किया जिससे इंसान को दो चार होना होता है हज़रत आसम रजी अल्लाह तहा कहती हैं कि जब नबी करीम वसल्लम ने कब्र के फितने का नक्शा खींचा अपने खुतबा में तो साहब कराम रजी अल्लाह तुम रजी अल्लाह तलाम रोने लगे रोते रोते चीखना और चिल्लाना शुरू हो गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के फितने का नक्शा खींचा यह है मंजर यह है मंजर कब्र का और खादम रसूल मशहूर सहाबी हजरत अनस रजील्ला तु फया बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लाम ने फरमाया कि अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को कबर में दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें कब्र के अजाब की आवाज़ को सुनवा दे यानी अगर तुम कब्र में जो अजाब होता है उसकी आवाज़ को सुनोगे तो अपने मुर्दों को कबर में दफन ही नहीं करोगे अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे इसका खदशा ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को कबर में दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह तबारक वाले से दुआ करता किलामीन कब्र की अजाब को इन लोगों को सुनवा देता कि इनको पता चल जाए और आप ये भी जानते हैं कि मरने के बाद मरने के बाद यह समझ लीजिए या तो जजा सूच या फिर सजा दोनों चीज़ें यहीं से शुरू हो जाती हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो उसका ठिकाना सुबह शाम उसके ऊपर पेश किया जाता है कबर में गया और वहाँ पर उसका ठिकाना पेश किया जाता है अगर वो जन्नतियों में से है तो जन्नत का ठिकाना अगर वो जहन्नमियों में से है तो जहन्नम का ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है और कहा जाता है कयामत तक यही सलूक तेरे साथ किया जाएगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला बार अल्लाह ताला के बारगाह में पेश होगा मालूम ये हुआ कि ये ये जिंदगी ये दुनिया जैसे इंसान छोड़ता है उसके बाद अगर वो नेक है तो जन्नत की खिड़कियां उसके लिए खोल दी जाती हैं और अगर बुरा है बद है तो जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाती हैं और यहीं से उसकी जजा और सजा शुरू हो जाती है मोहतरम सामिन कराम दो बातों का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए हमेशा दो बातों का ख्याल रखना चाहिए एक बात तो यह कि ज्यादा से ज्यादा हम अजाब कब्र से पनाह मांगते रहे हमेशा हमें अजाब कब्र से पनाह मांगना चाहिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही इसको हल्का समझना चाहिए नबी करीम हजरत अबू हजी अल्लाह तन फरमाते हैं कि नबी करीम वसल्लम तक़रीबन हर नमाज में से पना मांगा करते थे अल्लाई इन अदम अजाब इस तरह से हर नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे अलमा कमिन अजाबल कबिनार वमिन फितनमहया वमिन फितनमस बहुत सारी दुआएं हैं खुलासा यह है कि हमें हमेशा अजाब कब्र से पनाह मांगते रहना चाहिए और दूसरी बात मर्दों के लिए कभी कभार उस घर की ज्यारत करनी चाहिए उस बस्ती की ज्यारत करनी चाहिए उस शहर की ज्यारत करनी चाहिए जहाँ पर लोग जिसको लोग कब्रस्तान कहते हैं ये मर्दों के लिए से चूंकि औरतों के लिए ममनू है मर्दों को जाकर के कब्र की जीारत करनी चाहिए ताकि उनके दिलों में मौत और आखरत का मंजर सामने रहे मौत उनको याद रहे।, उनको याद रहे आखरत उनको याद रहे उनको ये याद रहे कि हमें भी मर करके यहीं पर आना है इसके अलावा और कोई जगह नहीं अगर ये दो चीज़ें रहती हैं तो ये समझ लीजिए कि इंसान अल्लाह तबारक तआला का खौफ अपने दिलों में बिठाए रहेगा और अल्लाह तबारक तआला से डरता रहेगा और जब अल्लाह ताला से डरता रहेगा तो जाहिर सी बात है नेक अमल करेगा और नेक अमल करेगा तो उसका ठिकाना जन्नत होगा मोहतरम हजरात खवातीन आज के इस दरस में कब्र में पहली रात दो लोगों की दो तरह के लोग होते हैं वहाँ पर कब्र में या तो वो शख्स नेक होगा यानी मुतकी होगा परहेजगार होगा बाकिरदार होगा और या वो शख्स काफिर होगा फाजिर होगा फासिक होगा मुनाफिक होगा आज मैं आपके सामने एक परहेजगार मुसलमान के ताल्लुक से कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूंगा ये तमहीदी बातें कब्र के तालुक़ से थी अब आइए हम देखते हैं कि एक परहेजगार आदमी चाहे वो मर्द हो या औरत हो मुतकी है परहेजगार है जब उसका इंतकाल होता है जब वो इस दुनिया को छोड़ता है तो कैसे उसके रूह को कब्ज किया जाता है और कैसे वो कब्र में पहुंचता है और कब्र में क्या सवाल तो जवाब होते हैं और क्या क्या उसके साथ किया जाता है अपने जहन में बिठाएं एक मुतकी परहेजगार चाहे वो मर्द हो या औरत परहेजगार शख्स जब मौत उस पर आती है तो सबसे पहले फरिश्ते रूह कब्ज कर, करते हुए उसको सलाम कहते हैं माशाल्लाह उसकी रूह को कब्ज करते हुए उसको सलाम कहते हैं वो फरिश्ते जो उसके पास आते हैं सूरज की तरह से चमक रहे होते हैं खूबसूरत होते हैं सूरज की तरह से चमक रहे होते हैं दो पर वो परहेजगार आदमी की रूह को लपेटने के लिए जन्नत से रेशमी कफन लेके आते जिससे खुशबू निकल रही होती है आसानी के साथ रूह को कब्ज करते हैं बहुत ही आसानी के साथ और उस रूह की खुशबू हर तरफ फैल जाती है खुशनसीब है वो लोग अल्लाह हम सब को उसी में से बना आसमान के फरिश्ते आगे बढ़कर रूह का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए दुआ भी करते हैं अब उस पर उस परहेजगार शख्स की रूह को इल्लीन में इंदिराज कर दिया जाता है और रूह को वापस भेज दिया जाता है रसूल सल वसलम का फरमान है कि जब परहेजगार शख्स की मैय को लोग कब्रस्तान की तरफ ले जा रहे होते हैं तो पुकार पुकार करके वो मैय कहती है कद दोनी मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ मुझे पहुंचाओ कब्रस्तान तक मेरा वहां इंतजार हो रहा है ये कौन सा शख्स होता है ये वो शख्स होता है जो नेक होता है मुत् परहेजगार होता है ईमान वाला होता है उसको जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचाया जाता है वो जल्दी किए रहता कि मुझे जल्दी वहां पर पहुंचा दो नमाज जनाजा के बाद कब्र में मय को रख दिया जाता है तो दुआ के बाद दफनाने वाले अभी वहां से वापस ही होते हैं मरने वाले को मुनकर नकीर बिठा देते हैं और वह कबर वाला कब्र की वहशत को देख कर परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है वो जाने वालों की कदमों को उसका बाप उसके बेटे उसके रिश्तेदार उसके अक़रबा, उसको दफनाने के लिए आए थे दफना करके अभी वापस हो रहे हैं उनके कदमों के वापस होने की आहट को वो सुन रहा होता है सारी चीजों को वो अपने कानों से सुनता है अफसोस वो भाई जो जान देने के लिए तैयार रहता था वो बाप जो अपने बेटे के लिए जान देने के लिए तैयार रहता था वो बेटे जो अपने बाप के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे वो रिश्तेदार वो अक्रबा वो पास पड़ोस दोस्त अहबाब सब दफना करके अब वापस हो रहे हैं कोई वहां पर नहीं उसी वक्त जब ये लोग वापस हो जाते हैं कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है हाजिर होते हैं खूबसूरत फरिश्ते, खूबसूरत फरिश्ते मैं बयान कर रहा हूं परहेजगार आदमी के मुतालिक चाहे वो मर्द हो या औरत हो जिस वक्त वो खूबसूरत फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं कब्र में ऐसा वक्त होता है जैसे गोया आ, सूरज गरूब हो रहा हो दिन का आखिरी हिस्सा हो सूरज गरूब हो रहा हो और रात शुरू होने वाली हो कब्र वाला आंखों को मलते हुए उठता है क्योंकि मुत्तकी है परहेजगार है दुनिया में वो अल्लाह को मानने वाला था वो फरिश्ते आकर के उसको उठाते हैं और कब्र वाला यानी मई आंखों को मलप, मसलते हुए उठ जाता है और क्या कहता है फरिश्तों को कहता है दूनी वी मुझे छोड़ दो मुझे नमाज पढ़ लेने दो चूंकि मगरिब का वक्त हो गया यह परहेजगार शख्स है वो कह रहा है मुझे छोड़ दो मुझे नमाज पढ़ लेने दो चूंकि नमाज मगरिब का वक्त हो रहा है नमाज को अल्लाह तला कबर में भी नमाजी के अंदर वो जुरात पैदा कर देगा वो ताकत पैदा कर देगा कि वो फरिश्तों को कहेगा मुझे नमाज पढ़ने दो बाद में तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ लेकिन ये कौन सा शख्स कहेगा ये वो शख्स कहेगा जो दुनिया में अपना काम छोड़ करके नमाज के लिए जा चला जाता था ये वो शख्स कहेगा जो लोग बैठे होते थे वो कह देता था पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद दूसरा काम करते हैं ये वो शख्स होगा जो अजान होती थी अपनी दुकान को बंद कर देता था मस्जिद की तरफ चला जाता था वो शख्स होगा ये लेकिन याद रहे जिन्होंने दुनिया में ऐसा नहीं किया होगा वो कबर में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो नमाज पढ़ लेगा अब नमाज पढ़ने के बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा सवाल जवाब का कब्र में पहली रात कब्र में पहली रात है ये सवाल का सिलसिला शुरू हो रहा है मुनकर नकीर का पहला सवाल होगा मन रब तुम्हारा रब कौन है तुम्हारा खालिक और मालिक कौन है तुम्हारा मुश्किल कुशात हाजत रवा कौन है गरीब नमाज कौन है तेरा दाता कौन है वो फरिश्ते पूछेंगे वो शख्स जिसने दुनिया में एक अल्लाह की इबादत की थी सारी जिंदगी एक रब के सामने अपने सर को झुकाया था कभी भी खैर के सामने जिसका सर नहीं झुका था जिसने खैर को कभी शामिल नहीं किया था वो आराम से कहेगा रबी अल्लाह मेरा रब अल्लाह फरिश्ते दूसरा सवाल पूछ लेंगे दूसरा सवाल होगा वमा दीनुक बता तेरा दीन क्या है किस दीन को मानता था दुनिया में तो बहुत सारे अदियान थे बहुत सारे मजाहिब थे किस दिन को मान के आया है कौन सा दिन जिस पर तू अमल कर रहा था दुनिया की तमाम बातिल दीनों की नफरत करने वाला शख्स एक इस्लाम पर चलने वाला शख्स जिसने अपनी साठ साल जिंदगी सत्तर साल जिंदगी एक इस्लाम पर गुजार दी और उसने ये जान लिया था कि अगर कोई सही मजहब है तो मजहब इस्लाम है उसी पर मुझे मरना है उसी पर मुझे जीना है वो खास तौर से आराम से कहेगा दीन दीनियल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम लेकिन जिसने कभी यहां सर झुकाया होगा कभी उधर सर झुकाया होगा कभी इनसे मांगा होगा कभी उनसे मांगा होगा उसके पास कोई जवाब वहां पर नहीं होगा फरिश्तों का तीसरा सवाल होगा तीसरा सवाल होगा मा हादर रजुल ये जो तुम्हारे दरमियान एक शख्स मबूस किया गया था ये क्या कौन है इसके बारे में क्या जानते हो ये तीसरा सवाल होगा ये आदमी जो तुम्हारे बीच में मबूस किया गया है कौन है वो वो शख्स जिसने कभी शिरक नहीं किया होगा वो शख्स जिसने कभी बिदात नहीं की होगी कभी बिदात के किनारे नहीं गया होगा अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारा होगा अपनी जिंदगी किताब सुन्नत पर लेकर के चला होगा वो साफ कहेगा हुआ रसूल वो अल्लाह के रसूल वो अल्लाह के रसूल हैं। तीनों सवाल हो गया तुम्हारा रब कौन है ये सवाल आउट है जवाब देने वाले ने कहा मेरा रब अल्लाह तुम्हारा दीन क्या है मेरा दीन इस्लाम है वो शख्स जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया वो कौन है वो अल्लाह के रसूल हैं। अब फरिश्तों का एक सवाल और होगा ये तीन सवाल तो हो गए जो लोग सोचते हैं कि हमें कुरान नहीं पढ़ना चाहिए हमें हदीस नहीं पढ़ना चाहिए हमें दीनी मजलिसों में नहीं जाना चाहिए जहां वाजों नसीहत होती वहां नहीं जाना चाहिए इससे हमें मिलता क्या आइए हम बतलाते हैं वहां पर क्या मिलता यह शख्स जब तीनों सवालों का जो सही जवाब दे देगा तो कबर वाले से पूछेंगे वामायूदारीख ये बतला तुम्हें किसने यह बतलाया कि तेरा रब अल्लाह तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा दीन इस्लाम है तुम्हें यह कैसे पता चला कि अल्लाह तबारक तआला ने आ, आपको यानी मोहम्मद वसल्लम को रसूल बना करके भेजा है यह पता चला फरिश्ते पूछेंगे तो वो शख्स जो कुरान हदीस को पढ़ता था जो कुरान हदीस पर अमल करता था जो दीनी मजलिसों में हाजिर होता था जो तकरीरें सुनता था जो इससे कराहियत नहीं करता था वो कहेगा या वो कहेगी करा तो किताब अल्लाम तो भी वह तो मैंने कुरान मुकदस को पढ़ा मैं उस पर ईमान लाया मैं क़ुरान मुकदस को पढ़ी मैं उस पर ईमान लाई और मैंने उसकी तस्दीक की मैं वहाँ से जान लिया रब मेरा रब अल्लाह है मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्ला वलमल्ला के रसू को जब मैं पढ़ता था तो कुरान खोल खोल करके तोहीद को बयान करता था कि खाल के कायनात माल के अर्जो समा सिर्फ एक जात है कुरान को जब मैं पढ़ती थी तो मुझे यह पता चलता था कि औलाद देने वाला सिर्फ एक और वह अल्लाह तबारक तआला की जात है मोहतरम हजरा खवातीन ये सवाल का सिलसिला चल रहा था और सही जवाब मिल रहे थे जब वो शख्स ये बतला देगा दुनिया में जब कुरान पढ़ता था तो मुझे इन सारी चीजों का पता चल गया उस शख्स के लिए कबर को कुशादा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि नाम सो जा उस मुर्दा से कहा जाएगा सो जा लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती मोहतरम हजरा खातन सवालों में कामयाब होने वाला शख्स तीनों सवालों का सही जवाब देने वाला शख्स फरिश्तों के सामने एक ख्वाहिश का इजहार करेगा अपना एक ख्वाहिश चाहे वो मर्द हो या औरत हो अपने ख्वाहिश का इजहार करेगा जब फरिश्ते उसे कहेंगे कि सो जा, तब वो कहेगा ठहरो ठहरो मेरी ख्वाहिश है मैं कुछ कहना चाहता हूँ फरिश्ते कहेंगे बोलो वो कहेगा मैं चाहता हूं मैं लौटूं अपने घर वालों की तरफ और उनको मैं बतला दू कि कबर के इम्तिहान में मैं पास हो गया हूं हा वो मुखरो किताबिया लो पढ़ लो मेरे किताब को कबर के सवाल का सही जवाब मैं ये चाहता हूं मेरी ख्वाहिश है मैं वापस होना चाहता हूं लेकिन मेरे भाई और दोस्तों वहां से कोई वापसी का रास्ता नहीं होता ये जुमेरात के दिन खाना पका करके कुछ लोग कहते हैं कि मुर्दों की रूहें आती हैं और उसको हम खिलाते हैं वहां से कोई रूह नहीं आती है ये बेवकूफ़ बनाने का ढोंग है वहां से वापसी कोई नहीं है उसे क्या कहा जाता है सो जा खबर में ज्यादा देर तक ऐसे मेहमान को इंतजार नहीं कराया जाएगा अल्लाह तबारक तआला जियाफत के लिए फरिश्तों को तैयार कर रखा है उसके लिए थका मांदा है तैयारी हो रही है फाफरिशो हो मिनल जन्ना उसके नीचे जन्नत का बिस्तर बिछा दो जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है वाल बिशू हो मिनल जन्ना जन्नत का लिबास पहना दो वह लहू जन्ना और उसकी कबर की तरफ जन्नत की खिड़कियों को खोल अल्लाह हम सबको उसी में से बना अल्लाह हमें कबर में सही सवालों का जवाब देने की तोहफी अता फरमा उसके लिए जन्नत का बिस्तर जन्नत का लिबास बिछा दिया जाएगा अता कर दिया जाएगा और जन्नत की खिड़कियां उसके उसके उसकी कबर में खोल दी जाएंगी सुबह अल्लाह ऐसे शख्स के लिए कब्र जो कब्र छोटी सी खोदी गई थी नाप तोल करके खोदी गई थी तहद निगाह उसकी कुशाद उसको कुशादा कर दिया जाएगा जहां तक उसकी नजर जाएगी कब्र कुशादा ही कुशादा नजर आएगी और फरिश्ते कहेंगे क्या फरिश्ते कहेंगे नम क नौमतिल अरूस सो जा उस दुल्हन की तरह से जो पहली रात को जब दुल्हन आती है तो जब वो सो जाती है तो उसको जगाने के लिए वही जाता है जो उसका सबसे ज्यादा महबूब होता है सो जा तो उस दुल्हन की तरह से चाहे वो मर्द होगा चाहे औरत होगी उसको कहते हैं फरिश्ते नम क नौमिल आरूस उसके अहल में से जो सब उससे महबूब होता है वो उसको जगाने के लिए उसके पास जाता है मालूम हुआ कि कब्र में सवालों जवाब का वक्त जो होता है जब सवालों जवाब का वक्त होगा चाहे जिस वक्त जिसको दफन किया जाए जब सवालो जवाब होगा तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज गुरूब हो रहा है यानी शाम होने वाली है रात होने वाली है फिर नेक आदमी जो रात आती है नहायत पुर पुरुत्फ और पुरसकून होती है उसके लिए वो रात बहुत ही खुशगवार रात होती है और वो जन्नत का लुत्फ सुरूर ले रहा होगा अल्लाह तबारक वाले हम सबको भी कब्र में पहली रात ऐसी ही नसीब फरमाए कि हमारी पहली रात ऐसे हो जिस तरह से फरिश्ते खूबसूरत फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं और वो मरने वाला या वो मुर्दा सारे सवालों का सही जवाब देता है हम अल्लाह तबारक वाली से ये दुआ करते हैं कि आलमीन अल्लाह तबारक वाल कब्र वाली मंजिल हमारी आसान कर दे आलमीन हमारी आखरत की पहली मंजिल को आसान कर दे आलमीन हमारे कब्र के सवालों को आसान कर दे आलमीन हमें दुनिया में अपने प्यारे रसूल जनाब महमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ीकत वर्मा वाखरदावाना अनहमदिल्ला रबी आलमीन अल्लाम आलकम वाला वबरकू